हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोले। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो स्कूल अपडेट हुई है, कौन कौन सी स्कूल आपको लगाना होगा। अगर आप यहाँ पर अभी स्कूल चॉइस फिल कर रहे हो तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आखिरकार कौन से स्कूल को आपको लगाना चाहिए जिससे आपको स्कूल मिल जाए। नहीं तो ऐसा भी होता है कि आपको स्कूल नहीं मिल पाएगी फिर से। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। बात करते हैं साला दर्पण इंटर्नशिप, यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में हमारे सामने मेन वेबसाइट आ जाएगी, इस पर जाना होगा। दोस्तों, यहाँ पर स्कूल लिस्ट अपडेट हो चुकी है। स्कूल लिस्ट अपडेट करने के लिए आपको, जैसे कि DL.ED कर रहे हो या फिर BED कर रहे हो, तो आपको इसको, जिनको आपको जैसे कि अलॉट नहीं हुई थी स्कूल या फिर आपने फिल नहीं किया था, तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट पर क्लिक करना होगा और आपको चेक करना है कि कौन सी स्कूल में कितनी सीट है, कौन सी हमें लगानी चाहिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपकी सेलेक्ट कर लेना होगा, ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद में कोर्स आपका जो भी कोर्स है वो सेलेक्ट कर लेना होगा, सेकेंड ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। आप यहाँ पर BED की जगह जो भी आप DL.ED हो, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, फोर्थ ईयर जो भी है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में राउंड आपको फर्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और आपको यहाँ पर जो भी आपका कैप्चर कोड नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों, वो यहाँ पर कैप्चर कोड नंबर आपको डाल के आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट में जीरो है, आपको इस स्कूल को आपको फिल नहीं करना होगा। जिसमें आपकी सीट अवेलेबल है, उसकी एक अपनी एक लिस्ट बनाइए, जिसमें अवेलेबल है सीट, उनकी लिस्ट बनाते हुए आपको एक 15 से 20 आपको स्कूल लिस्ट बना लेनी है, जिससे आप अपना यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए कि जिसमें जीरो है उस स्कूल को आपको फिल करना नहीं है, आपको उन स्कूल्स को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको मत कीजिएगा, अगर इनको करोगे तो आपको स्कूल अलॉट नहीं होगी फिर से। तो आपको इनको यहाँ पर फिल नहीं करना, और जिसमें सीट अवेलेबल है उसी स्कूल को आपको फिल करना है। तो दोस्तों, आप किसी का भी, आप जैसे कि BED का मैंने निकाल के बताया, तो ऐसे करके आपको जैसे कि DL.ED का भी आप निकाल सकते हो। DL.ED का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको ये चीज़ें फॉलो करना होगा। तो सर्च पर वापस से क्लिक करूँगा, वापस से जैसे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर बोला जा रहा है, तो वापस मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में जो भी है वो लिस्ट आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी लिस्ट चेक कर लिए, जिसमें सीट अवेलेबल हो उसी स्कूल को फिल करना है आपको। और आपको मैंने वीडियो दे दिया किस तरीके से आप अपना स्कूल चॉइस फिल कर पाएंगे, पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अपना स्कूल यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताना चाहता था। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, साथ में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी बता दीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को भी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।